है ऑलिव ऑयल। तो आज मैं अपने चेहरे पे, नूरानी चेहरे पे ऑलिव ऑयल यूज करने वाली हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शादियों का सीजन है उरूज पे और हम सब चाहते ना चाहते हुए भी मेकअप लगा के जाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिन्हें बहुत शौक होता है, कुछ लोगों के लिए मजबूरी होती है अच्छे से मेकअप करके तैयार होके जाना। लेकिन एक प्रोसेस है जो हम सबको ही करना पड़ता है और वो है अपने मेकअप को रिमूव करना। तो आजकल मार्केट में एक नई चीज़ आई हुई है, एक नई चीज़ नहीं अब तो ये पुरानी हो गई है, मैसेलर वाटर, जिससे मेकअप रिमूवर रिमूविंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि दुनिया जहान के भी जो मेकअप रिमूवर होते हैं, क्लेंजर होते हैं, वो आपकी स्किन पे इरिटेशन छोड़ देते हैं या तो आपको ब्रेकआउट हो जाता है इन केमिकल्स की वजह से। मतलब आपकी स्किन को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद मुझे एक ऐसा तरीका पता लगा जिससे अगर हम मेकअप रिमूव करते हैं अपना तो स्किन पे कोई ब्रेकआउट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इससे आपके स्किन पे कोई दाने नहीं होते, कोई इरिटेशन नहीं होती, स्किन में ड्राइनेस नहीं होती। तो आज मैं वो तरीका अपने फेस पे ट्राई करने वाली हूँ कि वो लाइव करूंगी आप लोगों के सामने, ताकि मतलब एक रिजल्ट हम देखें कि ये होता है कि नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, दूसरों के लिए इफेक्टिव लगती है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और ये जो सारी चीजें ना, ये बहुत हसीन और हैवी से कपड़े और ये ज्वेलरी और ये एक्स्ट्रा चीजें ये उतार के आते हैं जी। तो जी शुरू करते हैं, चेंज करके वापस आ चुके हैं। आपके सामने ही मैं स्क्रीन पे ही लेंसेज निकालूंगी और साथ में अपने ये लैशेस निकालूंगी। तो सबसे पहले ये लैशेस इसके बाद लेंसेज, जो कि निकालना बहुत ज़रूरी है, इसे निकाले बगैर काम नहीं चलेगा। हम यूज़ करने वाले हैं ये मैजिकल लिक्विड। ये कि अगर आप इससे अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं तो ये आपके स्किन के, आपके मेकअप को मेल्ट करके रिमूव कर देती है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में इरिटेशन भी नहीं होती है केमिकल्स की वजह से, जो दाने या कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है तो वो भी नहीं होती। ये है ऑलिव ऑयल। तो आज मैं अपने चेहरे पे, नूरानी चेहरे पे ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाली हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। जो नूर है ना आर्टिफिशियल सा, इसको रिमूव करने के लिए हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जी शुरू कर दें वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपनी लैशेस और लेंसेज वगैरह निकाल दिए हैं ताकि ये मेरी स्किन पे प्रॉब्लम ना हो इससे। अच्छा जी, इसके बाद ही मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये मैंने लिया है इसमें, ठीक है। बहुत मामूली सी मिकदार मैंने ऑलिव ऑयल की ली है और इसको अपने चेहरे पे मैं ऐसे ऐसे करके लगा रही हूँ। गर्दन पे भी, क्योंकि गर्दन भी हमारे चेहरे का हिस्सा है और इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम करेंगे मसाज। ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल क्लेंजिंग करने लगते हैं अपने चेहरे पे, तो वो वाली फीलिंग है। थोड़ा सा ड्राइनेस थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब उतरना शुरू हो गया। और मुझे यकीन है कि जो मैंने बड़े उससे ब्लैक आईलाइनर लगाया हुआ था ना अपने, तो वो हो गया होगा, पूरे मुंह पे मेरे लग चुका होगा। थोड़ा सा और लूँगी, गर्दन को अच्छे से लगा के मसाज करना है। मैंने अभी तक अपना मिरर नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि ये कितना मेल्ट हुआ है या मेरी शक्ल कैसी लग रही है।
कैमरा के सामने कर रही हूँ। चेहरे पे ऑयल लगाने के, ये जो नेचुरल ऑयल होता है, इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी स्किन में जो प्रोड्यूस होता है सीबम मॉइस्चर, ये उसके करीब तरीन होता है। आपकी स्किन से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसकी मिमिक्री होता है एक तरीके से, कि आपकी स्किन को लगता है कि कोई एक्सटर्नल ऐसी ख़तरनाक सी चीज़ नहीं है। तो उससे होता क्या है कि स्किन में इरिटेशन नहीं होती और स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती कोई, मतलब किसी भी किस्म का वो। अब मैं ये लेने वाली हूँ माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जिसको कहते हैं क्लीन स्पंज है, मतलब ये बहुत कॉमन है, नहीं है तो टिश्यू पेपर ले लेंगे। और इससे मैं साफ़ करके देखने लगी हूँ कि कैसा लगता है। वाओ, मेरा मेकअप अच्छा खासा रिमूव हुआ है एंड आई फील लाइक क्लीन। मेरी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं हो रही और कोई ड्राइनेस फील नहीं हो रही, बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्किन को ना मैंने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया है। तो अब मैं ये पूरा साफ कर लेती हूँ। ये तकरीबन ये मेकअप आ चुका है बाहर, और इस ट्रीटमेंट के बाद मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा साफ महसूस हो रही है, क्लियर, और मज़े की बात ही बहुत सॉफ्ट फील हो रही है। इसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई भी लिक्विड यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई सी महसूस होती है, थोड़ी सी सख्त महसूस हो रही होती है, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, बल्कि बहुत अच्छा और सॉफ्टनेस ही आ रही है। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी मैं इसको दोबारा से ले रही हूँ अपनी स्किन पे, लगा के इसको मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया। इससे अगर कुछ और अंदर मेरे पोर्स में रह गया होगा तो वो सब मेकअप भी रिमूव हो जाएगा। और फिर वीडियो को एंड में करूँगी कल सुबह या 24 आवर्स बाद, जिससे ये बात पता लगेगी कि भाई इससे स्किन पे कितने दाने, कितना ब्रेकआउट होता है। तो जी अब इंतज़ार करते हैं कल सुबह तक का। होपफुली आपको ये वीडियो आ रही होगी पसंद। तो जी अब कल मुलाकात होगी। ओके बाय। अगले दिन के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। अपनी स्किन की कंडीशन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो स्पॉट्स, जो हालत पहले थी वही है। मतलब रात को मैं तो इससे साफ़ करके मैं सो गई थी, लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली मेरी स्किन पे कोई नया दाना, कोई नया ब्रेकआउट, कहीं पे कोई पैच या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई, जो कि अमूमन हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सेंसिटिव स्किन के लिए ऑलिव ऑयल की क्लेंजिंग मेकअप को मेल्ट करके निकालने के लिए बहुत बेहतरीन रही है। मतलब ये है वाकई काम करती है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको किसी भी की तरह के इस केमिकल से, ऐसे किसी भी केमिकल से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये ऑलिव ऑयल क्लेंजिंग यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत प्यारी हो जाएगी। मतलब आप ये देख सकते हैं, कोई भी, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये तो पुरानी है, कोई नई इनकमिंग नहीं हुई है। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा, इजी है, कन्वीनियंट है और स्किन के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इंस्टा और फेसबुक अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।